दोस्तों पीएससी की तरफ से एक नया नोटिस जारी हो गया है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका पीएससी में पैसा फंसा हुआ है या पीएससी का निवेशक है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका जो पैसा है वो जो फंसा हुआ है आपको पैसा कभी भी नहीं आएगा। और आपको अगर आपके आपके घर में कोई भी है, आपके कोई सदस्य है या फिर आपके गाँव में कोई है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और उनके साथ शेयर भी करना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को जो पैसा है वो कभी भी मिल नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर आ चुका है इस समय और यहाँ पे जो है पीएससी की तरफ से, यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे इनको आपको दिखा देता हूँ जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये 100% वर्किंग है दोस्तों, 100% रियल है। आपको कोई भी इस तरह किसी की तरह का फेक वीडियोस नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियोस बनाता हूँ पीएससी की तरफ से वो दोस्तों महीने में या दो महीने में जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके पहले वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो आपको मैं पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चलिए दिखा देता हूँ कि कौन सा क्या करना है और कौन सा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीएससी की तरफ से। ओके दोस्तों, तो नया 2023 से ये जो है लागू हो जाएगा, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लॉन्च किया गया है, जो अपडेट्स जारी किए गए, ये 2023 से लागू हो जाएगा, सभी जो है सभी निवेशक के लिए ये जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा नोटिफिकेशन है और आपको जानना जो जरूरी है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आप अपने वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको न्यू टाइप में आपको आप अपने से भी चेक कर सकते हैं, आपको कोई दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है सेबी पीएससी। जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पर इसकी वेबसाइट मिल जाएगा, ये है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट इसका है pscl.refund.co.in। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस, यहाँ पे नोटिस जो है जारी कर दिया गया है, यहाँ पे जो है 31/10 को जो है इन्होंने जारी किया था। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये नोटिस कुछ इस तरीके से जारी किया गया है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अगर आपको ये इंग्लिश में अच्छी तरह से इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे इंग्लिश में पूरा पूरा लिखा गया है पब्लिक नोटिस ओके सॉरी, यहाँ पे जो है इंग्लिश में, ये मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है ड्राइव गूगल ड्राइव लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में से लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके ये अगर आपको इंग्लिश आते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आती है तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में इसका क्या मतलब है, हिंदी में आपको चलिए समझा देता हूँ ओके। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश हिंदी में इसको करके रखा हूँ, यहाँ पर कन्वर्ट करके रखा हूँ ओके। आपको चलिए दिखा था पीएससी लिमिटेड के निवेशक के लिए दावा आवेदनों की स्थिति कमी की जांच करने अच्छा बनाने की सुविधा उन कमियों, यहाँ पे न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति लिमिटेड के मामले ने आज एक सफलतापूर्वक रुपए तक की दावा राशि वाले पात्र आवेदन के संबंध में प्रभावी भुगतान 15,000, हालांकि रुपए तक के दावे वाले कुछ आवेदक एक या अधिक के कारण 15,000 संसाधित नहीं किया जा सकता है। कमियां समिति के 15 जनवरी 2020 की प्रेस विज्ञापन के माध्यम से एक सुविधा प्रदान की गई है 5,000 ऑनलाइन दावा जांच करने के लिए। मैं आपको हिंदी में थोड़ा अच्छे तरह से समझा दूंगा अपने भाषा में ओके, मैं यहाँ पे फटाफट पढ़ देता हूँ। कमियों को दूर करें, यदि कोई समिति बाद में दिनांक 21 जुलाई 2020 को, यहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि अगर आपका जो आपका 15,000 रुपये है, मतलब अगर 15,000 रुपये के ऊपर अगर आपका निवेश किया गया, मतलब मान लीजिए 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए का निवेश किया गया है अगर आपका, तो आपका जो निवेश हुआ है उसका दोस्तों आपको 5,000-5,000 रुपए का किस्त मिलेगा। यहाँ पे 15,000 का किस्त यहाँ पे मना कर दीजिएगा, साथ साथ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 15,000 संसाधित नहीं किया जा सकता सका ओके। तो 15,000 का भुगतान यहाँ पे 15,000 का भुगतान नहीं किया जा सकता, मतलब 15,000 रुपये तक आपको जो किस्त है वो नहीं मिलेगा, 5,000-5,000 रुपये का किस्त मिलेगा, 5,000, 7,000, 9,000 का किस्त ऐसे कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं 5,000 का किस्त आया, 7,000 का किस्त आया, 10,000 का किस्त भी आपको मिल सकता है, लेकिन 15,000 का किस्त नहीं मिलेगा। 15,000 अगर 15,000 के ऊपर है तो आपको तोड़ तोड़ के पैसा मिलेगा, मतलब 5,000-10,000 करके किस्त आपको मिलेगा, जो मैं आपको पहले वीडियोज़ में आगे भी बताता हूँ ओके। तो अब यहाँ पर जो एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है जो आपको चलिए बताता हूँ दोस्तों, एक नया नोटिस जो जारी किया है, मैं आपको चलिए कमेंट बॉक्स में दिखाता हूँ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ओके। तो कमेंट बॉक्स में मेरे पास रिप्लाई जो है आया था, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट आया था, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, सर मेरा जो है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सर मेरा जो बॉन्ड है अभी जमा नहीं हुआ है, क्या करना होगा ओके। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो बॉन्ड है वो जमा हो गया, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो है बॉन्ड जमा नहीं हुआ है। तो जिसका जमा नहीं हुआ है बॉन्ड, तो उनका
जनवरी से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा और सबको अपने ऑफिस में जाके जमा करना है, नहीं तो आपको ऑनलाइन साइबर कैफे पे जाके ऑनलाइन करवा लेना है, करा के आपको वहाँ पे जमा कर देना है। ओके, उस तरीके से जो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है सबका सब फॉरवर्ड हो जाएगा ESL ऑफिस में और वहाँ से आपको जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिनका भी जमा हो गया उनको सिर्फ आपको जो भी है आपके पास बांड वगैरह है जो भी है आपको उसको जमा कर देना है। ओके, तो जमा करने के लिए आपको चाहे PSL ऑफिस में जमा कर सकते हैं। PSL ऑफिस आपको हर जगह में मिल जाएगा, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता, हर जगह पे आपको PSL ऑफिस मिलता नहीं, अगर नहीं मिलता है मिल जाएगा हर हालात में, अगर नहीं मिलता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको PSL ऑफिस का एड्रेस आपको कमेंट बॉक्स में टिक कर दूंगा, वहाँ पर आप जाके आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आपको सब जगह पे आपको जाके जमा करना है, आपको ओरिजिनल कापी जमा करना है ना कि डुप्लीकेट कापी, जो भी आपका ओरिजिनल है वो आपको जमा करना है, या अगर आपका जमा नहीं हुआ है तो आपको जमा कर देना, अगर जमा हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो पैसा है वो मिल जाएगा। अगर आपका जो है जमा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जमा करना है, अगर आपका जमा नहीं हुआ है तो आपको जमा कर देना है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो लोग मृतक हैं उनका जो पैसा है उनको वेट करना है, उन्होंने अगर ऑनलाइन करा दिया तो उनका जो पैसा है बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर दोस्तों उनका जो पैसा है नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, अगर मृतक है उनका तो अगर उनके पास आपका डिटेल्स है, जो डिटेल्स आपका है मतलब PSL का बॉन्ड वगैरह है, रिसिप्ट वगैरह है, वो सब अगर आपके पास है तो आपको जो है जमा कर देने हैं, ऑनलाइन जमा कर देना है, या फिर आपको कोरियर का एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको कोरियर कर देना है और आपको जो एड्रेस है और एड्रेस पे आपको जो है मतलब PSL ऑफिस के मेन हेड ऑफिस में चला जाएगा और आपका जो पैसा है वो एक दो महीने में अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपको करना है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पूछ लीजिए। दोस्तों ये जो नियम है 2023 में ये जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी से आपका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑनलाइन शुरू नहीं होता, जो भी कोई अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको फटाफट से बता दूंगा। अपडेट्स दोस्तों यही है कि आपको ऑनलाइन जो है जमा करने पड़ेंगे और आपको जो है एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको कोरियर करना है, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस एड्रेस पे आपको कोरियर करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब बांड रिसिप्ट जो भी है आपका जो है PSL की तरफ से जो प्रोवाइड किए गए, अगर वो आपके पास जो भी है आप उसको जो है प्रोवाइड कर दीजिएगा और वो चीज़ें आपको जो है जो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको एरिया उस पर आपको जो है कोरियर कर देना है। और आपका जो पैसा है एक दो महीने के अंदर चेकअप होने के बाद, आपको अप्रूव होने के बाद, आपका एक दो महीने के अंदर अंदर आपका जो पैसा है पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। ब्याज सहित आपका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, जितना आपने लागत लगाया है सिर्फ और सिर्फ उसी का पैसा मिलेगा और जो भी आपका आपका लागत है वो 100% पूरा मिल जाएगा। तीन हिस्सा पैसा मिल चुका है PSL के तरफ से दोस्तों, जो एक हिस्सा पैसा बचा हुआ है वो भी बहुत जल्दी आपका जो है पैसा पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके दोस्तों, तो बस आज की इस वीडियो में बता दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपका मुझसे पर्सनली बात करना है तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है RaviTech1915, जाके फटाफट से फॉलो करिए और वहाँ पे मुझे जो भी पर्सनल मैसेज करना है कर दीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।